आज के जो एपिसोड चैट विद चेयर है, एक बहुत ही खास एपिसोड है। हमारे जो चेयर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो श्री दिनेश पाटीदार, जो हमारे चेयरमैन मध्य प्रदेश स्टेट काउंसिल के हैं, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शक्ति पंप्स हैं, और ये जो 5 स्टार रेटेड पंप्स बनाते हैं, और ये एक छोटी कंपनियों में से गिनी चुनी कंपनी है जो देश विदेश दुनिया में 100% स्टेनलेस स्टील पंप्स और एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स बनाते हैं। वो शक्ति इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड की भी बोर्ड पे हैं, और इनका जो एक डिजाइनिंग और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू आइडियाज, इनका एक तरीके से एक मकसद है, और एक शक्ति पंप से काफी डोमिनेंट एंटिटी हो गई है। तो श्री दिनेश पाटीदार जी, आपका स्वागत है इस एपिसोड चैट। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कोविड का जो सेकेंड दौर है, सेकेंड वेव लोग कहते हैं, ये एमपी में जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट के साथ मिलजुल कर क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट को क्या सहायता दे रही है, और इंडस्ट्री मिल करके क्या कदम उठा रही है कि ये कोविड का जो सेकेंड वेव है उसका जो इम्पैक्ट है वो सब कम से कम रहे और इकोनॉमी चलते रहे। अभी हमने एमपी चैप्टर के साथ सीएम से भी मीटिंग की थी और उनको जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरत रही है उस पे हमने इंडस्ट्री में हर लोगों ने सपोर्ट किया है। हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से जहाँ पर जो उनको व्यवस्थाएं मिलती गई उसके हिसाब से उन्होंने उस पे काम किया है। मेरा ऐसा मानना है, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसमें पीथमपुर के आसपास भी जो श्रमिक इलाके हैं वहाँ पे, जैसे मैं हमारी कंपनी का एक एग्जांपल दूं कि हमने कोविड की महामारी से बचने के लिए सबसे पहले जो 45 ईयर से ऊपर के लोगों के जो टीके लगवा रहे थे वो हमने खुद ने कंपनी ने उसके पेमेंट करते हुए अपने लोगों को लगवाए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों ने भी अपनी कंपनियों में श्रमिकों को टीके भी लगवाए हैं। इसके अलावा भी जो आज की जो स्थिति है उसको जो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अभी हमारी बहुत सारी कंपनियों में लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज होने के लिए उनको बेड नहीं मिल रहा है तो उसपे भी काम है। प्रशासन के साथ भी उसपे काम चालू है, उसपे काम किया है। और इंजेक्शंस की भी जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे लोगों को जरूरत आ रही है, सारे इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो भी छोटे मोटे अपने ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है यहाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री ने जो अपना जो सरकार को सीधे सपोर्ट देने की बजाय जो इनडायरेक्ट जो लोगों से सीधी रिक्वायरमेंट आ रही थी उस पर भी काम किया है, और आगे भी कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो कुछ लोग हमारे जैसे हैं जो और भी आगे काम करेंगे उसमें। जैसे आप बता रहे थे कि इंडस्ट्री ने काफी मदद की है गवर्नमेंट की, तो 3 चीजें हैं जैसे गवर्नमेंट मदद चाहती है। एक तो जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो है ये ऑक्सीजन है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दूसरा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और तीसरा जो आपने कहा था कि हॉस्पिटल एक्सटेंशन बेड्स। तो जैसे कोई आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बीना रिफाइनरी में क्या हुआ और कंपनी रहा, तो अगर आप थोड़ा सा उदाहरण दे सकते हैं तो व्यूअर्स के लिए अच्छा होगा। बीना बीना रिफाइनरी में वहां पर उनके पास ऑक्सीजन प्लांट था, उसको उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट किया और वहां पे 1,000 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया, क्योंकि ऑक्सीजन ला नहीं सकते थे, शहर में लाना मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि सिलेंडर उसके जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टैंकर्स की जरूरत है वो नहीं है, तो पेशेंट को वहां ले जाया जा सकता था। तो पेशेंट को वहां ले जाके वहाँ 1,000 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल डेवलप किया और वहां पर उन लोगों की पूरा ऑक्सीजन का प्लान किया। वो एक काम गवर्नमेंट ने किया, और इंदौर में गवर्नमेंट ने एक काम किया है कुछ जन भागीदारी के साथ में, जो यहाँ राधा स्वामी सत्संग था यहाँ पर उन्होंने कुछ 500 बेड 5,000 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया है, जो अभी मेरे ख्याल से 1,000 के आसपास चालू है। उसमें पेशेंट आए हुए हैं और उस पर वर्किंग हो रही है। तो दूसरे और जो वहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ था वहाँ पे, तो कई इंडस्ट्रीज को थोड़ी मोटी दिक्कत हो रही थी, तो आपके स्टेट कमेटी ने एफएमसीजी कमेटी के साथ मिल करके क्या क्या काम किया था, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हम कैसे तालमेल मिला करके ऑन द ग्राउंड सिचुएशन को आसान बना रहे। बराबर,
हमने जब सीएम से मीटिंग हो रही थी, मैंने भी उनको सजेशन दिया था कि वो आर्गन गैस सिलेंडर को परमिट करें, और हमने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लिखा था, शायद फिक्की ने भी उसमें कुछ आगे बढ़ाया था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी आगे एसओपी आ गई है, और उस एसओपी का फायदा ये हुआ कि वो आर्गन सिलेंडर में भी जो लाइसेंस होल्डर है वो उसको आर्गन सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में कन्वर्ट करके वो सप्लाई उन्होंने उसको ठीक की है। एक तो ये हुआ, दूसरा वो जो जो हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने उनको प्रॉमिस किया सीएम को कि वो भी कुछ ऑक्सीजन जनरेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने भी अपने स्तर पे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेट भी आगे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ऑन द ग्राउंड जो जैसे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो अभी जो एक तरीके से लॉकडाउन जो लगाया था कई कई शहरों में, उसमें इंडस्ट्री का क्या रिस्पांस है? कैसे हम भागीदारी दे रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज और बाकी चीजें लोगों तक पहुंचे? इसमें हम क्या कर रहे हैं स्टेट लेवल पे? स्टेट लेवल पे इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रियों में तो प्रोडक्शन तो चालू है, लेकिन उसको वो अभी 30% के आसपास आ गया है प्रोडक्शन, क्योंकि 100% प्रोडक्शन अब हो नहीं सकता, क्योंकि उतनी जो वर्कर है वो थोड़े डरे हुए हैं और स्टाफ भी डरा हुआ है, तो लोग मूव नहीं कर रहे फैक्ट्रियों में, तो प्रोडक्शन तो वैसे ही 30% उस पर आ गया है। लेकिन हाँ, मार्केट बंद है इसलिए मार्केट में प्रोडक्शन भी बाहर नहीं जा पा रहा है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और उसके लिए उन्होंने प्रॉमिस भी किया है, जो खासकर हमारी एफएमजी कंपनियां, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उसको मेंटेन करके रखेंगे। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं वो आपके साथ लगातार मेरे ख्याल बातचीत पे है और आप इंडस्ट्री के प्रॉब्लम उनके पास लेके जा रहे हैं, ये कैसे काम कर रहा है? कोई आप बता सकते हैं कि ग्राउंड द ग्राउंड ये पार्टनरशिप कैसे चल रहा है? हाँ, यह जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी है वो बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी के ऑफिसर हैं, और उन्होंने शुरू से ही उनके उसमें कार्यकाल में अच्छा काम किया, और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे तो निजी मित्र हैं। मैं उनको, संजय शुक्ला जी को, बहुत अच्छे से बरसों से जानता हूँ, और मैंने उनको कुछ ये सजेशन दिए थे इंडस्ट्री के बारे में, जो ऑक्सीजन आर्गन सिलेंडर का भी था, और मैंने एक सजेशन उनको दिया था कि जो हमारे जो मेडिकल फोर्स है, हमारी जो डॉक्टर्स और नर्सें हैं जो अगले 3 महीने में रिटायर होने वाली हैं, तो उनको तुरंत रोका जाए अगले 6 महीने तक, तो वो भी शायद उन्होंने उसको मूव कर दिया है, और उस पर भी काम हुआ है, जिससे कि गांव में जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो सेवाएं अगले 1 साल तक हमको मिलती रहेगी, तो उनको एक ऑर्डर निकालना था, तो उस पर भी उन्होंने कुछ काम किया है। और वैसे भी कुछ इंडस्ट्री को लेकर कुछ उनसे बात होती है, तो वो बड़ी सपोर्टिव नेचर के ऑफिसर हैं, वो सपोर्ट करते हैं। ये जो अभी जो एक तरीके से एग्रीकल्चर सिस्टम का एक ट्रांजिशन हो रहा है, अभी हार्वेस्ट खत्म हुआ और अगले का सोइंग शुरू होगा, तो इसमें आप रूरल इकोनॉमी में कैसे देख रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? पिछले साल तो बम्पर क्रॉप आया था, इस साल अभी मॉनसून का भी फॉरकास्ट अच्छा है, तो आपके क्या ऑन द ग्राउंड असेसमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर तो ठीक है, उसमें तो वो मेहनत कश कौम है और मेहनत कश करने वाले लोग हैं। हाँ, थोड़ा सा कोरोना का उनको भी डर आया है, मैं खुद एक फार्मर भी हूँ, तो वहाँ जो हमारे फॉर्म पे थोड़ा सा डर है लोगों में, लेकिन फिर भी काम तो उतनी मुस्तैदी से हो रहा है, फसलें सब अच्छी है और क्लाइमेट भी साथ दे रहा है। अगर अगर आप देखें तो बार बार आपका एक एक काइंड ऑफ क्रेज आ रहा है कि लोगों से कोरोना से डर है, तो इंडस्ट्री क्या कर सकती है गवर्नमेंट को मिलजुल करके कि ये डर हटाए और इसको बोले कि अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें तो उससे आपको एक तरीके से कोरोना होने के चांसेस नहीं, तो इंडस्ट्री और हम क्या कर सकते हैं मिलजुल करके इस विषय में? इस विषय में सबसे पहला कदम, जो सबसे अच्छा कदम होगा और सबसे बड़ा कदम होगा, वो ये होगा कि हम गवर्नमेंट के साथ में मिलके वैक्सीन हमारी इंडस्ट्रियों में लाके जो 45 साल के नीचे के लोग हैं उन पे काम करें। वो जितनी स्पीड से हम, जैसा जर्मनी में मैंने देखा कुछ इंडस्ट्रियों में, मुझे पता चला कि उन्होंने पूरा वैक्सीन प्रोग्राम फैक्ट्रियों में जाके कर दिया। हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। आज हमारे पास जो हमारे लोग हैं, मेरे ग्रुप में 1500 लोग काम करते हैं, उनके घर और फैमिली और उनके लोगों को मिला लें तो शायद 5000 लोग होंगे। उन 5000 लोगों को हम हमारी कंपनी में वैक्सीन लगाने के लिए, हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, जो भी पैसा हो। अभी ये लोग पैसे के लेके आपस में कुछ इनकी जो डिस्प्यूट है, वो मुझे नहीं लगता कि दिस इज नॉट वे टू, क्योंकि वैक्सीन की एक प्राइस, जो प्राइस
होनी चाहिए, वो प्राइस अगर उस इंडस्ट्री को नहीं मिलेगी तो उसने जिसने डेवलप किया है वो इन्वेस्टमेंट करके इतना, तो प्राइसिंग के बारे में मेरा नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि प्राइसिंग के बारे में हमेशा कंपनियों पे छोड़ना चाहिए, सरकारें आके बीच में प्राइसिंग फिक्स नहीं कर सकती, मेरा ऐसा सोचना है। तो आप कह रहे हैं कि डर निकालने के लिए वैक्सीनेशन का एक तरीके से जोर से करें तो उनको ये आश्वासन हो जाएगा कि भाई ठीक है हमें एक तरह से कोविड अगर होगा भी तो इतना सिवियर नहीं होगा। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आता हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं आएगा तो हम क्या करें लोग, क्योंकि अगर लोग में डर बैठ जाएगा और भय बैठ जाएगा तो कोई एक्चुअली काम पे नहीं आएगा, कोई फार्म पे नहीं जाएगा, खेत पे नहीं जाएगा, तो इसका एक तरीके से इकोनॉमी पे एक उल्टा असर हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं इस भय को निकालने के लिए इकोनॉमी में? मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये भय निकालना सबसे बड़ा काम है, और जैसा सबसे एक सबसे बड़ा काम तो हो गया जो लॉन्ग टाइम हो गया वो तो वैक्सीन हो गया, दूसरा आज की तारीख में हमको भय निकालने के लिए ये जो लॉकडाउन है ये चीजें, मुझे ऐसा लगता है ये चीजें बहुत डराती है लोगों को। हमको जहाँ पर ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए और उसको वहां लॉक कर दें। वो जो अभी हमारी फैक्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, हमारे यहाँ करीब जो एक कंपनी है उसमें करीब 70 लोग पॉजिटिव हुए, तो उन लोगों को ऑफिस में बराबर ट्रीटमेंट के लिए बराबर जहाँ जाना है उस उन चीजों को लेके उनको गाइडेंस दिया, तो वो लोग सब वापस निकल के आ गए। अभी डर ये है कि फैक्ट्री में लोग 30% लोग पहुंच नहीं पा रहे कि हमको कोरोना हो गया तो कैसे होगा, तो हमको सबसे पहले डर निकालने के लिए मार्केट चालू करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, मास्क वाला जैसा हमारा जो कोरोना की जो गाइडलाइन बोल रही है उस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम मार्केट नहीं खोलेंगे तो लोगों में डर, तो ठीक है आप होटल मत खोलिए, आप जिम मत खोलिए, आप मंदिर मत खोलिए, आज नमाज मत के लिए मत खोलिए, लेकिन अगर किसी को कुछ चाहिए किराना शॉप पे जाके वो 2 किलो अपना सामान खरीद के नहीं लाएगा तो खाएगा कैसे? ये रोक दिया ना तो डर जाता है आदमी, वो डरा हुआ है। अभी मेरे घर के सर्वेंट को जब हमने टेस्ट कराया तो उसको पॉजिटिव निकला, तो उसको बोला कि हम ट्रीटमेंट तुमको दे रहे हैं तुम कर लो, तो वो इतना डरा हुआ था कि वो बोलता है कि मैं घर जाऊंगा तो मुझे पकड़ के ले जाए, तो मैं होम क्वारंटाइन होने के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। तो ये डर हमको निकालना पड़ेगा। तो अभी हॉस्पिटलों में इतना लोड है, हम उसके लिए क्या करें? अभी उस लोड को कम करने के लिए हमको लोगों में से डर, डिस्टेंस और कड़ाई से उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे मैं सोचता हूँ कि आज इंदौर पूरा लॉकडाउन है, लॉकडाउन करने से ठीक है हम कुछ समय में उसको कोरोना पे शायद जीत भी जाएंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट हमारा डैमेज हो जाएगा इकोनॉमी का, उससे ज्यादा लोग भूख से पीछे रह जाएंगे, उससे ज्यादा लोग बीमारी से पहुंच नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा लोग अपनी जगह पहुंच नहीं पाएंगे। तो दोनों को बैलेंस करते हुए जहां पर ज्यादा आपको एक जोन है जो आपको केसेस ज्यादा मिल रहे हैं तो उसको आप लॉक कर दो, बाकी जगह एक्टिविटी अगर मेरे विचार में चालू रहे तो मुझे लगता है कि हम लोग इससे जल्दी जीत पाएंगे, बट हमारी उतनी हॉस्पिटल की तैयारियां नहीं है, उतने लोग नहीं है, तो भीड़ में जाते हैं, भीड़ में वो सब लेके आते हैं। एक्चुअली जो आपने ये पहले भी सुझाव दिया था, तो फिकी ने ओयो रूम्स के साथ एक पार्टनरशिप बनाया है कि जिन जिन शहरों में जिन जहाँ जहाँ उनके ओयोस के पार्टनर्स हैं, इंडस्ट्री और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको एक आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो एक सुविधा है। क्योंकि जैसे आप कह रहे थे आपके घर में किसी को कोविड हो गया है, वो घर जाएगा तो घर में गांव में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ले जाएंगे, तो इस फैसिलिटी के लिए हमने ये जो कोविड आइसोलेशन सेंटर्स है उसको एक तरीके से बताया। दूसरा अभी अभी हाल ही में उसका बोलिए उसको उसका थोड़ा मार्केटिंग अच्छे से करना पड़ेगा, वो एक सपोर्टिंग उसका वो जाएगा तो लोग वहां जाना पसंद करेंगे। यस एग्री। दूसरा जैसे आप कह रहे थे हॉस्पिटल की जो मारामारी चल रही है ये वगैरह, हमारे एक मेंबर ने एक ऐप बनाया है, फेसबुक है, उन्होंने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे एक तरीके से ऐप बनाया है, इसमें आप एक तो असल वैक्सीनेशन का जो सेंटर है उसको लोकेट कर सकते हो और दूसरे जो रिसोर्सेज है हेल्थ रिसोर्सेज है वो भी एक तरीके से आपको पता चल जाएगा, वो फिकी के द्वारा एक प्रयास है। तो अगर आप देखें तो
ये जो आपके जो स्टेनलेस स्टील पंप्स वगैरह है उसका आप क्या देख रहे हैं कि अगले साल में पिछले साल से बेहतर डिमांड होगा, कि डिमांड का क्या फोरकास्ट है, आप क्या तैयारी कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री में? यस, इंडस्ट्री में हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी बेसिकली हम लोग सोलर पंप्स बना रहे हैं और सोलर पंप्स की ऑलरेडी डिमांड भी है मार्केट में और वो इकोनॉमिकल भी ठीक है, तो उसके लिए हमने प्लानिंग की हुई है और उसकी तो ये मार्केट खुलते से उस पर और एग्रेसिव काम करना है। हमने तो प्लान किया हुआ है कि हम उसको अपने ग्रोथ के हिसाब से प्लान करके आगे बढ़ेंगे सोलर पंपिंग सिस्टम्स में। तो अगर आप देखें तो ये एक था 2019-20 और एक था 2020-21 और 2021-22, तो काफी लोग ये उम्मीद कर बैठे थे कि भाई कोरोना का जो दौर हुआ था वो शायद 2021 पे खत्म हो जाएगा और जो हमारी प्रोडक्शन है वो एटलीस्ट 19-20 के मुताबिक हो जाएगा थोड़ा सा। और अभी आप ये जो सेकेंड वेव देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि वो जो अभी एस्टिमेशंस वो कम होंगे के, क्योंकि जो हमारा पिछले साल का जो अनुभव था, हमने कोविड के रहते भी काफी अच्छी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की है कई कई सेक्टर्स में, आपके सोच में या ये अनुभव इस साल काम आएगा और मैन्युफैक्चरिंग पे इतना असर नहीं पड़ेगा, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ऐसा है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसको थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे आने वाले समय में, एक महीने में डेढ़ महीने में कुछ फिगर्स कम होंगे, मार्केट थोड़े खुलेंगे, तो एक इकोनॉमी में जो हम लोग 2021 की पोजीशन में थे उसमें ग्रोथ तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ हम इंडस्ट्री को वहां तक ले जा पाएंगे कि वो सिचुएशन ठीक हो। लास्ट टाइम क्या हुआ, मैं हमारे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, लास्ट टाइम चूंकि हम अपनी कंपनी को फार्मर से जोड़ते हैं तो हमारे लिए तो एक लास्ट टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि पूरा रूरल मार्केट खुला हुआ था। अभी भी रूरल मार्केट खुला हुआ है लेकिन थोड़ा सा डर है रूरल मार्केट में। अपने मार्केट में थोड़ा मुझे लगता है कि ग्रोथ आएगी आने वाले समय में भी। ये कोविड से रूरल मार्केट को हम कैसे बचाएं, क्या कदम आपके मन में आ रहे हैं कि क्या कदम लेने चाहिए कि रूरल एरियाज में ये कोविड ना फैले? इसके लिए तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सबसे अच्छा काम तो वैक्सीन का ही है। अभी वैक्सीन जितनी मिले उतनी लगानी चाहिए और दूसरा उनको एक एजुकेशन की जरूरत है। जैसे हमने हमारे आसपास के लोगों ने, हमने अपनी कंपनियों में भी और पीथमपुर में भी जो दोस्त लोग हैं उनके साथ बैठ के जो बात की, हम अपने नतीजे पे ये पूछ पाए कि कोविड से लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम उसको टेस्टिंग 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 जो हम उसको 3 दिन से ज्यादा गले से नीचे उस वायरस को न जाने दें। अगर हमने कुछ टेस्टिंग की है फिर हम 3-4 दिन में फिर से अगर हमको लगता है कि बुखार है और हम अभी भी निगेटिव आए हैं तो फिर टेस्ट कर लें, फिर भी निगेटिव आए तो फिर भी टेस्ट कर लें। तो हमने उस वजह से हमारे पूरे उसको नुकसान को और सीरियस पेशेंट को जाते हुए लोगों को बचाया है। बहुत कम लोगों को सिर्फ मेडिसिन पे ही हम लोग बाहर ले आए, बहुत सारे लोग जो है वो ऑक्सीजन की उनको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो अर्ली अगर चेतना उनमें आ गई। और रूरल में हमने अपने कुछ गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ कैंप चलाए कि वो उनको सर्दी खांसी बुखार हो तो तुरंत टेस्ट कर ले, तो टेस्ट टेस्ट अगर सही टाइम पे हो गया तो ट्रीटमेंट तो अच्छे से हो जाता है। और वो अभी ऐसा नहीं है कि लोग अपने आप अच्छे हो रहे हैं, पुराने फर्स्ट वेव में लोग अपने आप अच्छे हो रहे थे, उनको कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं थी। आज यस उनको मेडिसिन की जरूरत है, वो अगर आप 2 दिन लेट हुए तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और 4 दिन लेट हुए तो उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी ही, ऐसा हमने यहाँ भी इस वायरस के साथ देखा है। तो आपका ये मानना है कि रूरल एरियाज में हम टेस्टिंग एक जगह से बढ़ा दें और अगर जो पॉजिटिव रिजल्ट आए तो इमीडिएटली उनको क्वारंटीन करें, क्योंकि अभी है रूरल एरियाज में इतना तो प्रेशर नहीं है, और तुरंत ही ट्रीटमेंट करें कि ये सिवियरिटी ना बढ़े और उनकी कोई आईसीयू की रिक्वायरमेंट ना हो। मतलब हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल ना जाए, हम उसको कुछ मेडिसिन देकर ट्रीट कर दें वहीं, और ये पॉसिबल भी है और ये हुआ भी है, हमने देखा भी है। तो इसमें जो लोकल हेल्थ वर्कर्स है उनको मेरे ख्याल से ट्रेन करना पड़ेगा, उनको उनको इसकी कोविड की जानकारी देनी पड़ेगी अपने भाषा में, सिटीजन सर्विस सेंटर्स है उनको भी एक तरीके से
काम में ले जा सकते हैं। राइट, तो अगर आपको आपके इंडस्ट्री कोलीग्स के लिए एक जो मैसेज है इस टाइम, क्या मैसेज होगा आपके लिए? इंडस्ट्री कुलिक के लिए मैसेज ये होगा कि वो एक तो अपने अपने स्टाफ के लिए, अपने लोगों के लिए एक मैसेज क्लियर कट डिजाइन करके दे कि अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार है तो उसको टेस्टिंग के लिए, आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए ये लोग अवेलेबल है, ये घर से आके सैंपल ले जाते हैं। ये मैसेज मैंने दिया, बहुत ही सक्सेसफुली ये रन हुआ। दूसरा ये कि अगर आपको, अगर आपके आरटीपीसीआर रिपोर्ट में आप पॉजिटिव आते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये डॉक्टर हैं जिनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और हमने हमारी कंपनी में भी दवाइयां उपलब्ध रखी तो उससे हम उनको वो दवाइयां भी देते रहे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इन तीन हिस्सों में उनको, उसको वो पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, जो वर्कर है या जो मेरा स्टाफ है वो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो घबराहट है उसके मन में। वो घबराहट दूर करने के लिए उसको ये बताएं कि तेरे को सर्दी खांसी बुखार कुछ है तो तू ये आरटीपीसीआर का नंबर है, तू इस नंबर पे मोबाइल कर, वो तेरे घर पे आके सैंपल लेके जाएगा, और वो जब रिपोर्ट तेरे पास मोबाइल पे आरटीपीसीआर की आ जाएगी तो तेरे को किससे मेडिटेट कराना है, कौन से डॉक्टर को तेरे को वो रिपोर्ट भेजनी है, वो तेरे को वहां से एक पर्चा भेज देंगे मेडिसिन का, तू वो पर्चा लेके अपनी मेडिसिन ले ले तो ठीक हो जाएगा। तो हमने तो 90% लोगों को ऐसे ही ठीक कर दिया, मतलब इसी प्रोसेस से। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो कैसे फैला रहे हो, मैसेज जो आपने शुरू में था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, हम लोग भी उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे, यस बीच में सभी की ओर से थोड़ा केयरलेस हुई, अभी तो हम लोग बराबर मेंटेन कर रहे हैं, फिर से हमने पूरा वही स्टिक लगा दिया सभी लोगों के लिए, वैसे ही कर रहे हैं पूरा सिस्टम की, वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मशीनों में तो ऑलरेडी दूरी रहती है, और हमारे यहाँ वैसे भी स्पेस का लेके कोई इशू नहीं है, पूरी पीथमपुर में बहुत जगह पहले से मिली हुई थी, तो आईसर ने भी और दूसरे भी हमारे कुलिक ने, इंडस्ट्री ने उनको शिफ्टों में अरेंज कर लिया है। तो एक तो लोगों को हम इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, कैंटीन में हमने अपने 4 टाइम कर दिए हैं कैंटीन को, पिछले वाले बिहेवियर में हमने कैंटीन बंद कर दिया था कि भाई अपना खाना घर से लेके आओ क्योंकि यहाँ अभी डर है, लेकिन अभी वो उसमें भी प्रॉब्लम्स है, लोगों को जल्दी शिफ्ट चालू होती है, ये होता है। तो हमने उसके कैंटीन हमारा अगर 1000 लोगों का है तो उसमें 250 लोगों को बिठा के 4 टाइम में उसको कन्वर्ट कर दिया, 4 अलग अलग प्लांटों को इकट्ठा करके, और उसको उस तरीके से मेंटेन करते हैं। बसों में थोड़ी सी, जिसमें हम उनके घर से लेके आते हैं, बसों में हमने उनको 75% में रन करा दिया, फिर से बीच में हो गया था वो 100% रन फिर से, क्योंकि बसें कुछ खाली आती थी तो फिर से उनको 75% पे कर दिया। तो आज की सिचुएशन फिर से हम उसको पिछले साल वाली सिचुएशन पर रन कर रहे हैं, और यही स्थिति पूरे पीथमपुर इंडस्ट्रीज की है। तो आप जो कह रहे हैं मैं जो उसको एक तरह दोहराता हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश आप दे रहे हैं। पहला जो है, आप इंडस्ट्री और सब लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन करें, और इस पे आप कोई छूट ना दीजिएगा, इसको बराबर कंटिन्यू सकते हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि फैक्ट्री में जो है, फैक्ट्री में भी सोशल डिस्टेंसिंग जो पहले नियम थे, कैंटीन में भी आप उस सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने वर्कर्स को खुद ट्रांसपोर्ट करने का सुविधा दें, और ट्रांसपोर्टेशन में भी सोशल डिस्टेंसिंग एक तरीके से मेंटेन करें, ये बहुत आवश्यक है। दूसरे ओर आप कह रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल बनाया है आपने, जिसमें अगर किसी को अगर खांसी बुखार हो उसको एक तरीके से सुविधा है कि उसको टेस्टिंग सेंटर्स पता है, वहां जाके वो टेस्ट करा ले, और अगर वो पॉजिटिव है उसको क्या करना है, क्या डॉक्टर से मिलना है, क्या करना है, वो आप सब कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है इंडस्ट्री के लिए, और मैं इसको एक दफे फिर से दोहराना इसलिए चाहता था क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं वो अपने फैक्ट्रीज में इसको लागू करें, और जैसे आप कह रहे हैं कि अगर वो लागू करेंगे आप ये अपनी फैक्ट्री चालू रख सकते हैं और फैक्ट्री में कोविड को फैलने से रोक सकते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश पत्रा जी, आप आए हमारे साथ जुड़े, और यही हम शुभकामना करते हैं कि आप और अपने परिवार, सारे वर्कर्स और आपके परिवार स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और ऐसा हम इस कोविड के ऊपर काबू पा लें कि जो हमारा उम्मीद थी कि ये जो साल था प्रोडक्शन 19-20 से भी बढ़िया होगा, वो आगे जाके एक तरीके से सच साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।